मैं मेरी डाइवोर्स हो चुकी है पति से, मुझे पता भी नहीं कि मेरे पति की दूसरी शादी भी हुई। हिंदू एक्ट में ये चीज नहीं है कि आप दूसरी मैरिज कर सकते। एक बेटा का तीन बहू घर में क्यों है, तो कैरेक्टर किसका खराब है? ये घर में एक बेटा नहीं, दो बेटा, तीन बेटा, सब दो दो बीवी रखे। डर लग रहा है, डर तो इतना लग रहा है ना कि तीन चार दिन से मैं सो ही नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद वो घर से बाहर निकलेंगे, कुछ करवा देंगे या कुछ कर देंगे। क्या बोलूँ कि ऐसा ऐसा भी दिन हुआ है ना कि अपने बच्चों को मैं चूड़ा चीनी खिला करके भी रखी हूँ। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। अभी हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी की बहू, इनका कुछ इल्ज़ाम है और अपने हक की भी मांग कर रही हैं। क्या है सारी बातें, इनसे ही जानते हैं। मैम क्या 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 मांगे हैं आपकी? मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई, मैं अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है ना। उनको तो ये मान करके सही से हक की लड़ाई के लिए सामने आना चाहिए या बात करके मान जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे पे इल्ज़ाम ही लगा दिया कि मैं मेरी डाइवोर्स हो चुकी है पति से। उसके बाद मेरे पति शादी भी किए, मेरे पति की शादी भी करवा दी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे पति की दूसरी शादी भी हुई। तो ये चीज़ वो प्रूफ कर रहे हैं कि इसके पति की दूसरी शादी हुई है, तो इसके लिए तो जिम्मेदार वो है ना कि एक बीवी होते हुए दूसरी शादी करने का। कहीं भी हिंदू एक्ट में ये चीज़ नहीं है कि आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। जब उनकी शादी हुई तो आप कहाँ थे? मैं पटना में ही थी, मुझे पता ही नहीं कि वो शादी की, 14 तक तो मेरे साथ ही थे। 14 तक आपके साथ? हाँ, डेट अब वो नहीं मुझे मालूम, वो तो ये हम पेपर में देखे हैं ना कि राजीव की शादी हो चुकी है। अच्छा। मेरे से तो मेरे बच्चे भी शॉक्ड है कि पापा दूसरी शादी की, हम लोग को पता भी नहीं है। अच्छा, बच्चे भी शॉक्ड है? आपके दो बच्चे हैं जो साथ में बैठे हैं? साथ में बच्चे हैं। तो ये बहुत सारे आरोप उधर से भी लगे हैं, बहुत सारे आरोप आप भी लगा रही हैं, तो पूरा मामला एक बार विस्तार में बताइए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो आरोप लगाई हूँ वो दुनिया, आप लोग, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पे जो आरोप लगा है, मुझे पेपर चाहिए, किस कोर्ट से हुआ है ये मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ होगा तो ना पता होगा कि मैं, हमको पता ही नहीं कि मैं डाइवोर्स हुआ है। उनका तो कहना है कि आपका डाइवोर्स हो गया, तो फिर उनसे ही मांगिए ना पेपर। मैं तो मांग रही हूँ कि मुझे चाहिए। पेपर नहीं मिल रहा? नहीं। मुझे जब उन्होंने आपके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाया तो इस पे क्या कहेंगे? कैरेक्टर पे सवाल उन्होंने उठाया है तो सबसे पहले तो उनसे जाके पूछे कि एक बहू 14 साल से घर से बाहर थी, वह वापस आ गई, घर में वो रखे हुए हैं, ठीक है। एक बेटा का तीन तीन शादी करके वो तीन तीन एक बेटा का तीन बहू घर में क्यों है, तो कैरेक्टर किसका खराब है? एक पति के साथ रह करके दो बच्चे को पालना या एक हस्बैंड के होते, एक बीवी के होते हुए दूसरा शादी करना, ये है। तो उनके घर में एक बेटा नहीं, दो बेटा, तीन बेटा, सब दो दो बीवी रखे हुआ है। सब दो दो बीवी रखे? बिल्कुल, आप घर में जाके देख सकते हैं। कभी आवाज नहीं उठाया किसी ने? किसी ने नहीं उठाया आवाज। क्यों पता नहीं, लेकिन मैं उठाऊंगी क्योंकि मैं शुरू से इस चीज के लिए खिलाफ थी। तो आप आवाज उठा रही हैं, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको डर नहीं है? डर लग रहा है, डर तो इतना लग रहा है ना कि तीन चार दिन से मैं सो ही नहीं हूँ सही से। ऐसा लग रहा है कि शायद वो घर से बाहर निकलेंगे, कुछ करवा देंगे या कुछ कर देंगे, करने तो नहीं आएंगे लेकिन करवा जरूर देंगे। मुझे इस बात का डर है, ये लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, डर तो लगता है मुझे। अच्छा, आपके पति पे भी बहुत सारे इल्ज़ाम थे बाइक चोरियों का, उसमें सरगना थे वो, तो इस पे क्या कहना चाहिए? सरगना मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे ससुर जी का ही सारा कुछ लेना देना था और वही करवाते थे। अगर गलत को साह देना भी गलत होता है, हम बच्चे को गलत चीज सिखाएंगे तो बच्चे गलत ही सीखेंगे ना। मतलब आपके कहने का मतलब था है कि आपके पति सिर्फ मोहरा थे? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में वो पैसा देते थे बेटा से, वो पैसा डिमांड करते थे कि राजीव मुझे इतना पैसा चाहिए, इस डेट में चाहिए। आप उसको बिजनेस करने को नहीं दिए, कभी ये करने के लिए नहीं दिया, आप उससे पैसा किस काम का मांग रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं? कोई बिजनेस होता, ठोस बिजनेस, तब ना आप उससे पैसा मांगते, तो वो आदमी कहाँ से ला के देगा पैसा? अच्छा, अब आप आवाज़ उठा रही हैं तो आप चाह क्या रही हैं पहले? मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों का अधिकार मिले, मुझे घर में रहने की जगह मिले, इससे ज़्यादा मैं कुछ उससे मांग नहीं कर रही हूँ। मतलब उसी घर में आपके बच्चे भी रहे, आप भी रहे? हाँ, ये जो बेबुनियाद जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर गलत है। तो वो इल्ज़ाम किस वजह से लगा रहे हैं, कि आपको आपका हक नहीं देना चाह रहे हैं, वजह यही है? वजह तो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं। अगर उनको ये देना रहता तो जाहिर सी बात है सिमी से भी कांटेक्ट कर सकते थे, मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, तुम लोग वापस आ जाओ, अपने घर में रहो। लेकिन ऐसा बोलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं रहे, उल्टा मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप पे ही गलत इल्ज़ाम लगा? हाँ बिल्कुल,
मैं पटना छोड़ के नहीं गई थी, मैं इन दोनों का पटना में ही परवरिश कर रही थी। तो वो 8 साल से, मेरे हस्बैंड का 8 साल डेट का हो गया, तो वो 8 साल में एक बार भी केस मेरे पे क्यों नहीं किए कि मेरे बेटा का मर्डर करवा दिए। मेरे भाई के बारे में जो बोल रहे हैं तो मेरे भाई के पे भी करना चाहिए था ना। तो आज 8 साल में जब मैं आगे आई हूँ तब वो पीछे से बोल रहे हैं, मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आगे से तो उन्हीं को आना चाहिए था ना, तो मैं पकड़ी जाती, हो सकता है 20 साल के सजा से पहले मैं 8 साल काट भी चुकी होती, काट चुकी होती ना। हाँ बिल्कुल। तो आप इतने दिन घर से बाहर हैं, तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है, किसके साथ? मैं एक्चुअली, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट करती है, और मेरा बड़ा वाला भाई भी बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, वो करता है। और बड़ा वाला भाई की वजह से हम इसकी शादी अच्छे घर में कर दिए, और हम ये सोचे कि हम दो बेटी को लेकर के कहीं रेंट के घर में रहना आज के ज़माने में कितना मुश्किल है। मैं सोची कि नहीं, पहले तो इसकी शादी कर दूँ, अच्छे टाइम पे मैं शादी कर दी, इसको पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़े। लेकिन ये लोग ही बोली, मम्मी कब तक कर, बिना लड़ाई के तो आप मर जाओगी, सारा ऐसे लोग करेंगे। कितना दुख लगता है कि सब कुछ अपना होते हुए भी सहारा कहीं और। मैं बहुत क्या बोलूँ कि ऐसा ऐसा भी दिन हुआ ना कि अपने बच्चों को मैं चूड़ा चीनी खिला करके भी रखी हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मैं आज मैं कपड़े का दुकान की, पापा लोग के भरोसे एक छोटा सा दुकान भी की, बहुत मेरे कॉलोनी में बहुत अच्छा चल भी रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा दुकान कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा रेंट गिर गया था। मैं बोली कि नहीं, मैं रेंट नहीं दे सकती हूँ, बस दुकान को मैं हटा दी, दुकान आप हटा दी है। क्या नाम हुआ आपका? आना सानी। आपकी मम्मी जो है अपने हक़ की मांग कर रही हैं, तो कितना साथ है आप अपनी मम्मी के? हम 100% अपनी मम्मी के साथ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम सब कुछ देखे हैं, किसी के साथ फैमिली के साथ रहे नहीं हैं, अपनी मम्मी का ही सपोर्ट करेंगे हमेशा। और वो लोग बहुत बहुत घटिया जो होता है वो कर रहे हैं अभी हम लोग के साथ, तो ये बहुत गलत है। आपके दादाजी का कहना क्या? वो मम्मी पे आरोप लगा रही है कि मेरे पापा का डेथ मम्मी के कारण हुआ, मेरे मामा के करवाएं ये वो डिस्ट्रैक्ट, मतलब तो बहुत बोल रहे हैं, तो ये सब झूठ है। वो उस टाइम जो न्यूज़ में आया कि पब्लिक मूवमेंट में डेथ हुआ, तो वो क्यों आया, जब वही था तो पहले बताना चाहिए था ना, तो अब वो क्यों बोल रही है सब। अच्छा, आपके मतलब आरोप भी था कि आपके पापा जो हैं बाइक चोरी वगैरह में भी सरगना रह चुके थे, आपकी मम्मी कह रही कि वो सिर्फ एक मोहरा थे, सारा काम आपके दादा का था, तो ये सुनकर आपको कितना दुख होता? बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे का खुद परवरिश अच्छा नहीं किए थे, वो खुद अच्छा नहीं किया। यस, कहीं ना कहीं आपके पापा को यूज़ किया जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था, और मेरे पापा का उसमें कोई गलती नहीं था, बस दादा का गलती था, क्योंकि उनको बोला जाता था इस वजह से वो किए हैं ये सब। और आज वो हम लोग के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पापा का गलती है कि वो आज हम लोग के साथ नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि सब परिवार अब एक साथ? हम लोग चाहते हैं बस इतना ही कि हम लोग का फैमिली बस एक साथ रहे, फिर से हम लोग उनके साथ रहें बस। तो देखिए, हमारे साथ थे रामेश्वर सहनी की बहू, जिनका साफ तौर पे यही मांग है कि जो फैमिली इन्होंने खोई थी, यही फैमिली ये वापस चाहती हैं, जो हक है वो अपने हक की मांग लगातार वो कर रही है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।